तीन साल पहले भी स्पीक मैके के इंटरनेशनल कन्वेंशन को संबोधित करने का अवसर मिला था। तब मैंने आपसे वीडियो लिंक के माध्यम से बात की थी। आज भी ऐसा संयोग है कि आप सभी मुझसे वीडियो माध्यम से ही जुड़े हैं, बल्कि इस बार तो पूरा कार्यक्रम ही ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित हो रहा है। मुझे खुशी है कि कोरोना वैश्विक महामारी की इन परिस्थितियों में आपका हौसला डगमगाया नहीं, डिगा नहीं, बल्कि आपने परिस्थिति के मुताबिक इस कार्यक्रम को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है। पूरी दुनिया में इस बीमारी के कारण जो तनाव है, लोगों में जो डर और दुविधा है, उसे संगीत और कला के माध्यम से मरहम लगाया जा सके, इस दिशा में आपने इस साल के कार्यक्रम की थीम भी रखी है। साथियों, हम इतिहास में सुनते आए हैं, किस्से कहानियां में भी सुनते आए हैं कि पुराने समय में जब कोई युद्ध छिड़ जाता था तो राज्य के कवि, गायक, कलाकार वीर रस के गीत लिखते थे, संगीत को प्रेरणा का माध्यम बनाते थे। आज कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन के खिलाफ युद्ध में हमारे कलाकार वैसी ही भूमिका निभा रहे हैं। हमारे गायकों, गीतकारों, कलाकारों ने देश का मनोबल बढ़ाने के लिए, देश को जागरूक करने के लिए, इस लड़ाई में जोश फूंकने के लिए एक रचनात्मक अभियान खड़ा कर दिया है। बीते दिनों ऐसे ही कितने ही संगीतमय प्रयोग हमने देखे और सुने हैं। वैसे आपको याद होगा, इस अभियान की शुरुआत 130 करोड़ भारतवासियों ने ताली थाली बजाई, शंख बजाया, घंटी बजाई और इस नाद के द्वारा पूरे देश को एक ऊर्जा से भर दिया था। ऐसे में जब 130 करोड़ लोग एक भावना से साथ आते हैं, एक संघ जुड़ते हैं, तो ये संघ ही संगीत बन जाता है। जिस तरह संगीत में एक सामंजस्य की जरूरत होती है, एक अनुशासन की जरूरत होती है, उसी तरह के सामंजस्य, संयम और अनुशासन से ही देश का प्रत्येक नागरिक आज इस महामारी से लड़ रहा है। साथियों, अगर हम मानव जाति के इतिहास को भी सरसरी नजर से देखें तो एक बात कॉमन नजर आती है, एक बात उभर करके आती है। हमारी जीवन यात्रा और विकास यात्रा को जोड़ने में संगीत और उत्सवों ने
बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उत्सवों के रूप रंग अलग रहे हैं और स्वाभाविक भी है। इनमें समय के साथ परिवर्तन भी आए हैं, लेकिन हर कालखंड में उत्सव उमंग का जन्मदाता रहा है। हमें उमंग से भर देने वाला रहा है। कोई भी आपदा पड़ी हो, विपदा विपत्ति रही हो, हर स्थिति में उत्सवों ने मानव सभ्यता को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद की है। और हमारे देश में तो हर मौसम के लिए, हर ऋतु के लिए अलग अलग उत्सव, अलग अलग गीत, विविधता से भरा संगीत और लोकगीत रहे हैं। किसान जब खेत में बुआई करता है तो अलग गीत गाता है, फसल पकने पर अलग लोकगीत होते हैं, फिर फसल काटने पर अलग गीत गाए जाते हैं। इसलिए अगर हम कहें कि उत्सवों के बिना हमारा जीवन अधूरा है, तो हमें ये भी कहना पड़ता है कि कला संगीत के बिना उत्सव ही नहीं है। साथियों, मुझे बताया गया है कि आपने इस बार इस कार्यक्रम में नेचर वॉक, हेरिटेज वॉक, लिटरेचर और होलिस्टिक फूड जैसे अनेक विषयों को भी जोड़ा है। साथ ही योग और विशेषकर नाद योग को भी इसमें रखा गया है। हमारे यहां तो नाद को संगीत का आधार माना गया है और नाद का आधार आत्मशक्ति को माना गया है, आत्मबल को माना गया है। संगीत या योग, इसके माध्यम से जब हम अपनी आत्मशक्ति तक पहुंचते हैं तो ये नाद ब्रह्मनाद हो जाता है। यही कारण है कि संगीत और योग दोनों में ही मेडिटेशन और मोटिवेशन दोनों की शक्ति समाहित होती है। दोनों ही ऊर्जा के अपार स्रोत होते हैं। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है, न नादेन बिना गीतम, न नादेन बिना स्वर, न नादेन बिना ज्ञानम, न नादेन बिना शिव। अर्थात नाद के बिना गीत संगीत और स्वर सिद्ध नहीं होते, और नाद योग के बिना ज्ञान और शिवत्व की प्राप्ति नहीं होती। और शिवत्व का मतलब है आत्मकल्याण, शिवत्व का मतलब है मानवता का कल्याण, शिवत्व का मतलब है मानवता की सेवा। इसलिए हमारे यहां संगीत केवल अपने सुख का ही नहीं बल्कि साधना और सेवा का भी माध्यम रहा है। संगीत की साधना तपस्या का रूप रही है। इसी परंपरा पर चलते हुए हमारे देश में ऐसे कई महान संगीतज्ञ हुए हैं जो उच्च कोटि के साधक भी थे, तपस्वी भी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा के लिए ही जिया। मुझे खुशी है कि संगीत की ये भावना आज भी देश में सुरक्षित है।
और ऐसे कई साधक तपस्वी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। साथियों, आज हमारा हर एक देशवासी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक सेवा के अभियान में लगा है, जिससे जो बन पड़ रहा है वो गरीबों की मदद के लिए, देश के लिए कर रहा है। संगीत और कला के माध्यम से आप भी सेवा की इस भावना को ही आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि स्पीक मैके का ये डिजिटल कार्यक्रम भी देश के इस अभियान को एक नई दिशा देने का काम करेगा। ये डिजिटल कन्वेंशन प्राचीन कला संगीत का, टेक्नोलॉजी के साथ ये तालमेल, ये फ्यूजन आज समय की मांग भी है। राज्यों और भाषाओं की सीमाओं के ऊपर उठकर आज संगीत एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्श को भी पहले से ज्यादा सशक्त कर रहा है। आप देखिए, आज बंगाल में बैठा व्यक्ति इंटरनेट पर पंजाबी गाने सीख रहा है, पंजाब का युवा दक्षिण भारत के संगीत को सीख रहा है। लोग जो सीख रहे हैं उससे 130 करोड़ देशवासियों को जोड़ भी रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर अपने क्रिएटिविटी के माध्यम से नए नए संदेश भी पहुंचा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ देश के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। संकट के समय में संगीत देश की सामूहिक शक्ति का एक नया स्रोत बन गया है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे देशवासियों की ये ऊर्जा, आपका ये प्रयास कोरोना से मुकाबला कर रहे लोगों का मनोबल बढ़ाएगा, लोगों को एक नई आशा, एक नया आत्मविश्वास देगा। आप सभी स्वस्थ रहें, दो गज दूरी का पालन करते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। स्पीक मैके और उनकी टीम को भी, आप सभी महानुभावों को, सभी कलाकारों को, आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।